गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम करने जा रहे हैं कक्षा फोर्थ का जो सेकंड लेसन है, अबू अली काउंट्स हिज डंकी। हम उसका एक पार्ट कर चुके हैं, जो आगे का पार्ट है हम वो आज शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको जो पिछला हमने लेसन पढ़ा था वो समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने उसके वीडियो डाले हैं बना बना के, उसको पढ़ते हुए उसके वर्ड मीनिंग लिखे हैं, उसकी फोटोकॉपी हमारे पास भेज दी है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। हमें पता है कि अबू अली फेयर के अंदर गया था और वहाँ से उन्होंने 9 डंकीज को खरीदा था। जब वह वापस जा रहा था तब वह उसने मन में आया कि क्या मेरे गधे पूरे हैं और मैं इसको एक बार गिन लूँ। तो वह गिनना स्टार्ट करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओ, उसके बाद वह बोलता है, ओ ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो गधे गिने वो थे 8। कितने गधे थे? 8। लेकिन उसने कितने गधे खरीदे थे? 9, ठीक है। तो उसने 9 डोंकीज खरीदे थे, लेकिन जब वह उनको गिनना शुरू करता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वह उसे 8 ही गधे मिले। अभी तक वह अपने गधे के ऊपर बैठा हुआ था और जो उसके पीछे पीछे गधे आ रहे थे कितने थे? वो 8 थे। तो वह उन्हीं गधों को गिन रहा था, ठीक है। वेयर इज नंबर 9? कहता है कि नंबर 9 यानी कि मेरा 9वां गधा कहाँ है। अब उसका गधा कहाँ था? वह तो उसके ऊपर ही बैठा था, लेकिन वह उसको काउंट नहीं कर रहा था। अबू अली क्राइड, और अबू अली जो था वो क्राइड मतलब चिल्लाने लगा। ही जंप डाउन फ्रॉम हिज डंकी। जंप्ड मतलब कूद गया, और डाउन का मतलब होता है नीचे, फ्रॉम हिज डंकी उसके गधे से। जब वह गधे के ऊपर बैठा हुआ था, पिछले गधों को गिन रहा था, तो वो मिले इसको 8, तब वह गधे से नीचे कूदा और क्या किया उसने? ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों ओर देखना शुरू किया। तब उसे दिखा, ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स, उसने पर्वतों के पीछे जो वहां पहाड़ थे उनके पीछे देखा। एंड द ट्रीज, ट्रीज मतलब पेड़ या वृक्ष, उन्होंने पहाड़ियों के पीछे देखा, पेड़ों के पीछे देखा। बट लेकिन देयर वॉज नो डोंकी, लेकिन वहां पर कोई भी गधा टू बी सीन, दिखाई नहीं दिया। जब उसने अपने गधे गिनने शुरू किए तो अबू अली को 8 ही गधे दिखाई दिए। तब वह अपने गधे से नीचे कूदा और वह गधे को अपने चारों तरफ ढूंढने लगा। ढूंढते हुए उसने पहाड़ियों के पीछे देखा, ट्रीज के पीछे देखा, लेकिन वहां पर उसे कोई भी गधा दिखाई नहीं दिया। तो एक बार उसकी हम वर्ड मीनिंग को दोबारा देख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 से लेके और 8 तक काउंटिंग दी गई है। आप इसकी स्पेलिंग को याद करोगे और इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वर्ड मीनिंग आया था क्राइड, CRIED, यह एक वर्ब है। क्राई, क्राइड, क्राइड, ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है चिल्लाना। ही जंप, यह कूदना। जंप का मतलब होता है कूदना, और जंप्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वह कूदा फ्रॉम हिज डंकी, उसके गधे से। ही लुक्ड, लुक्ड का मतलब होता है देखना। लुक, लुक्ड, लुक्ड, उसने देखा। अराउंड, उसके चारों ओर, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, रॉक्स का मतलब होता है पर्वत, और ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ठीक है। तो आज हमारा एक वर्ब और रह गई हमारी सीन, सी सा सीन, दिखाई देना, ठीक है। देखना, सी का मतलब देखना, ठीक है। इसकी सेकंड, ये थर्ड फॉर्म है सी सा सीन। तो आज के लिए हमारे इतने ही वर्ड मीनिंग है।
और इतना ही लेसन हम पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया कुछ भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कोई मैसेज डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अगले जो लेसन है हमारा उसको पढ़ते रहेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लें, इसके वर्ड मीनिंग लिख लें और इसको याद भी कर लें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।